नाजरीन आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो चल रही है वाकई इंसानियत को शर्मसार करने वाली वीडियो है। ये यूपी के बलरामपुर से वीडियो वायरल हो रही है जहां पर एक कोरोना संक्रमित की लाश को उसके रिश्तेदारों के हवाले किया गया था, लेकिन उन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करने के बजाय राप्ती नदी में उसकी लाश को फेंक दिया। आप देख सकते हैं वीडियो में वहाँ से गुजरते हुए एक व्यक्ति ने अपनी कार से उनकी वीडियो बना ली, और जब ये वीडियो वायरल हुई तो उनके खिलाफ ये जो रिश्तेदार हैं उनके खिलाफ, उनके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिम्मेदारों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस संक्रमित की लाश को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उनके परिजनों के हवाले किया गया था ताकि उसका अंतिम संस्कार कर सकें, लेकिन उन लोगों ने उसकी लाश का अंतिम संस्कार ना करते हुए उसे ले जाकर जो वहाँ की राप्ती नदी है उस नदी में फेंक दिया। इत्तेफाक से वहाँ से गुजरने वाले एक शख्स ने उनका ये वीडियो बना लिया, यह वीडियो वायरल हो रही है। वाकई ये घटना जो है वो इंसान को शर्मसार करने वाली है। रिश्ते कहीं छूट से गए हैं इस कोरोना काल में, बहुत कुछ हुआ है जिसमें रिश्तों की भी अहमियत अब सामने नजर आ रही है कि लोग मरने के बाद किस तरह से अपने रिश्तों को भुला दे रहे हैं। वाकई मानवता शर्मसार हुई है, बहुत ही दुखद घटना है।